पाखे गोटे क्रेटा अच्छी डीजेल भेरियंट आपन पाइबे एसएक्स भेरियंट अच्छी जोटा कि आपन ऑन रोड आसुछि 16 लाख किंतु गाड़ी रो एज है 7 वर्ष गाड़ी रो एज है आम पाखे आपन पाइबे 7,30,000 रे 55% डेप्रिसिएशन रे आपन पाउछंती 16 लाख पड़ुछि आपन ऑन रोड आम पाखे आपन नै कि जाई परबे 7,30,000 रे। तापर नेक्स्ट देखियो आम पाखे आउ गोटे क्रेटा अच्छी 2022 रो अच्छे क्रेटा आपन ऑन रोड प्राइस आसुछि 21 लाख गाड़ी रो एज होची गोटे वर्ष 6 मास गाड़ी रो एज अच्छी आम पाखु आपन नहीं पारे 14 लाख टंका रे 35% डेप्रिसिएशन रे। तो गाड़ी बहुत भल कंडीशन रे अच्छी आसंतु 35% डेप्रिसिएशन रे आपन नहीं पारे 14 लाख टंका देकी क्रेटा। तो देन देखियो आम पाखे आउ गोटे अच्छी एक्सयूवी 300 अच्छी आपणकर रहइबो ऑन रोड प्राइस आपणकर आसुछि 11,50,000 गाड़ी रो एज होची 4 वर्ष 5 मास आम पाखे बार प्राइस अच्छे 7 लाख 40% डेप्रिसिएशन आप पाँच एक्सयूवी 300 ऑन रोड प्राइस टू 40% डेप्रिसिएशन आप पाइबे आम पाखे 7 लाख टंकरे। देन चलूँ जीवा देखिए आम पाखे आहुरी बहुत सारा कलेक्शन अच्छी बालेन अच्छी डिजायर अच्छी सेलेरियो अच्छी टियागो अच्छी अल्टोपी अच्छी क्विड अच्छी तो आसतु आउ किसी गाड़ी आम कवरेज करवा आम पाखे आउ गोटे बालेन अच्छी 2019 रे अच्छे आल्फा भेरियंट रे रहइबो प्राइस अच्छे 6,50,000। देन देखिबा आउ गोटे आम पाखे अच्छी सेलेरियो 2020 रे अच्छी सेलेरियो एक्स भेरियंट रहइबो जेड एक्स भेरियंट अच्छी पूरा टॉप एंड मॉडल अच्छी प्राइस अच्छे 4,50,000। गाड़ी मुझ बहुत मो पाखे बहुत प्रकार गाड़ी थी आगु यार नंबर बोधे 9 खंडे हम मोर गाड़ी गाड़ी मोर हूँ 4-wheeler पैसन तापर ऑटोमेटिक गाड़ी मुझे देखिली यूट्यूब मध्यम बहुत भल लगला ता कलर तार ये गेस्चर भल लगला विजिट कली विजिट कलापर एम जो पे स्टाफ अच्छा ये रिसेप्शन टा मतलब बहुत आट्राक्ट कला जहाँफल थे नुह 5 थर मुझे विजिट कली विजिट कलापर मेकानिक भी आनली सी भी टेस्ट कले सी भी सर्टिफाई कले भल गाड़ी नि तो एम सांगे गोटे रिलेसनशिप डेभलप होगा सर्विस बढ़िया एक्सट्रीमली वेल बिहेवियर होमली भाया लगेगा तेनाली बुलनी मुझे ही फाइनाल कल ये गाड़ी नी। नमस्कार मुझे मंजू मंडल कार्फ्लेक्स सेल्स मैनेजर मोर ये अलमोस्ट मो स्टार्टिंग रु ही अच्छी मोर 2 इयर्स हो गला कम्प्लीट हो गला मुँह तो एज ए सेल्स मैनेजर मोर ये कस्टमर सैटिस्फाई कस्टमर आसती दैट टू बी आम भी कस्टमर को सैटिस्फाई कर 100% लेवल ट्राए करूँ जे कस्टमर आसतु ईच एंड एव्री पैरामीटर्स जहाँ जहाँ से चाहूँ से जिनस एक्सपेक्टेशन अनुसार से पात से जिनस मोर सब चेष्टा था देखु कस्टमर चाहिए बहुत प्रकार जिनस कस्टमर कहे एटा दियो सेटा दियो एटा कहीं हलानी सेटा कहीं हलानी आम मे बी आम 100% न ट्राए न कम्प्लीट कर पारे भी आम चेष्टा थी 99.99% मुझे सफिसीयंट मैंने हेल्प करी जहाँ एक्सपेक्टेशन अच्छी 90% क्लीयर करी खरा कथा कहतु वर्षा कथा सब गोटे कार दरकार मिनिमम अमाउंट रही मिनिमम आम 1 लाख रु नहीं 17 लाख जाए आम पाखे व्हीकल अच्छी कार अवेलेबल रोचे आपण जदि छोट सेगमेंट खोजुच्च छोट एमाउंट रोजुं जड़े गोटे मैंने गोटे मिडिल क्लास फैमिली बिलंग कर आजिकल समस्त ये गोटे नेसेसरी पार्ट हो गला कार जमी घरे घरे आगर साइकिल रोला बैक रोला गोटे कंपलसरी ए कार भी रही तो ये समस्त घर कार रही पार 1 लाख रु स्टार्ट करें कार तो रिक्वायरमेंट अनुसार कार आम मानने जो सेगमेंट रोजुं जो आप प्राइस रोजुं सब प्राइस आम अवेलेबल करने को ट्राए कर एव्रीथिंग आम ट्राए कार्फ्लेक्स ट्राए कर गोटे प्लाटफर्म आप इन्सुरेन्स फाइनान्स आपण सेल आपण एक्सचेंज एव्रीथिंग गोटे मानने गोटे ही जगह आप सर्विस पॉइंट आपजे आप डिफरेन्ट डिफरेन्ट जगह को जाइना सब जिन बुझाबुझी कर बेटर आम कार्फ्लेक्स आम सब जिन अवेलेबल कर सब जिन अवेलेबल रोचे जदि किए कस्टमर चाहूँ अकाउंट ट्रांसफर करेंगे अकाउंट ट्रांसफर करें चेक ईएमआई कैश एव्रीथिंग
କ୍ୟାସ୍ଟା ବେସିକାଲି ଆମେ 2 lakhs ଆବଭ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନୁ, ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରୁ ବି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ମଡେଲ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଯଦି କୌଣସି ମଡେଲ ନଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, କୌଣସି କଷ୍ଟ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ମଗେଇକି ଦେଇପାରିବୁ। ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଯେ ସେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ରିଚ୍ କରିବୁ, ଆମେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ରିସିଭ୍ କରିବୁ। ଆମ ପାଖରେ ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କ୍ଲାରିଟି ଆଣିବୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଚେକ୍ କରିକି ପ୍ରପର୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେତେ ପ୍ରାଇସ୍ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଆମେ ଆଣିକି କଷ୍ଟମରକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ସାରା ଅପସନ୍ ଅଛି, ଅନେକ ସାରା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଶୋରୁମ୍ ଅଛି, ସେ କାହିଁକି କାର୍ ଫ୍ଲେକ୍ସକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଶୋରୁମ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଏହା ଯେ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁ, ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି କଷ୍ଟମର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁ, ପ୍ରପର୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁ। ଗାଡ଼ି ପର୍ଚେଜ୍ କରିବା ମ୍ୟାଟର୍ କରୁନି, ମ୍ୟାଟର୍ କରୁଛି ଯେ ଗାଡ଼ି ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ରହୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଆମେ ଯେତେ ଗାଡ଼ି ସେଲ୍ କଲୁନି, ତା'ର 30% ଆମର ରେଫରେନ୍ସ କଷ୍ଟମର ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 30% ରେଫରେନ୍ସ କଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଶୋରୁମ୍ରେ ବି ସେଇଆ ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ଥ୍ରୋରେ ବି ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗାଡ଼ି ନେଲା ପରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ଆଉ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମର ପ୍ରୋସିଜିଓର ରହୁଛି, ପ୍ରପର୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ରହୁଛି। ଲୋକ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବ, ସବୁ ପ୍ରୋସିଜିଓର ହୋଇକି ଯିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ତାକୁ ବି ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ନେଲି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଜାଗାରୁ ନେଇକି ଗଲି, ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରଫେସନାଲିଜମ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ମାନେ ସିଏ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆମେ ସେଇ କଷ୍ଟମରକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିଚ୍ କରିବୁ, ସେ କଷ୍ଟମର ସହିତ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ମିଟ୍ କରିବୁ, ସିଏ ଆଉ 5 କଷ୍ଟମରକୁ ଦେଇପାରେ, କଷ୍ଟମର ହିଁ କଷ୍ଟମରକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି। ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇସ୍କୁ ନେଗୋସିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ପାଇବେ ଆମ ଶୋରୁମ୍ରେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ଯଦି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଶୋରୁମ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରାଇସ୍ରୁ ଆମ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ।